हे दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi के मी रोबोट वैक्यूम मॉप पी के बारे में, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्या ये बेस्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है इंडिया में। तो इस वीडियो को मैंने चार सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर्स के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे कि आप इसको कैसे खरीद सकते हैं, इसका प्राइस कितना है, उसके बाद हम देखेंगे क्या ये बेस्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है इंडिया में या नहीं, उसके बाद हम Xiaomi के मी रोबोट वैक्यूम मॉपी के प्रोजेक्ट टाइमलाइन के बारे में भी बात करेंगे। वैसे तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, लेकिन अगर कोई आप स्पेसिफिक सेक्शन को देखना चाहते हैं तो आपको टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको नहीं पता रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स होते क्या हैं, तो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स का मेन यूज यह है कि वो अपने आप सफाई कर देते हैं किसी भी एरिया का जहां आपने रखा है। तो जो सबसे मोस्ट बेसिक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर होगा, उसका आप बटन दबाएंगे और वो जिस एरिया में भी होगा उस एरिया को वो अपने आप साफ कर देगा। लेकिन उसके बाद जो अलग अलग ब्रांड्स हैं, अपने अलग अलग मॉडल्स में अलग अलग फीचर्स डालते हैं और एडवांस बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम Xiaomi मी रोबोट वैक्यूम मॉपी के फीचर्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला फीचर है कि यह स्वीपिंग, झाड़ू मारना और मॉपिंग दोनों कर लेता है। तो इससे आपको दोनों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों काम कर लेता है। इसके बाद इसमें आपको लेजर नेविगेशन सिस्टम मिल जाता है। तो इसमें कोई कैमरास नहीं लगे हैं मूवमेंट के लिए, तो आपको प्राइवेसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये आपको रिकॉर्ड कर लेगा, क्योंकि इसमें कैमरास नहीं लगे हैं, ये लेजर्स का यूज करता है नेविगेशन करने के लिए। उसके बाद आपको इसमें 100 पास्कल का सक्शन पावर मिल जाता है। तो उसके बाद इसका अगला फीचर है ऑटोमेटिक रिचार्जिंग। तो इसमें आपको चार्जिंग डॉक मिलेगा एक, जो एक एरिया में आप लगा दीजिए उसको जहाँ पे स्विच है, और वहीं पे उसको रख दीजिए, वो वहीं से स्टार्ट होगा, सफाई करेगा जहाँ भी आपने उसको सफाई करने को कहा है, या पूरे घर में कहा है तो पूरे घर में सफाई करेगा। और उसके बाद अगर उसका बैटरी लो होगा तो वो वहीं जाके अपने आप रिचार्ज हो जाएगा, और रिचार्ज होने के बाद फिर शुरू कर देगा अगर उसका सफाई कंप्लीट नहीं हुआ है तो। उसके बाद इसका अगला फीचर है कि इसमें आपको 12 प्रिसाइजन सेंसर्स मिलते हैं, जैसे एंटी ड्रॉप सेंसर, एंटी कोलिजन सेंसर। तो ये सेंसर्स बेसिकली ये करते हैं कि ये इसके मूवमेंट में मदद करते हैं, ताकि ये किसी चीज़ से ना टकराए, कहीं से ना गिर जाए, तो इससे इसका मूवमेंट और रिलायबल हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है। तो ये एक स्मार्ट डिवाइस है, इसको आप मी के होम ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं, और जब ये आप पहली बार क्लीन करेगा आपके होम को तो ये अपने आप मैपिंग कर लेता है, और पूरा जो आपका होम है उसको स्कैन कर लेगा सफाई कंप्लीट करने के बाद। तो फिर ये आप मी होम ऐप में जितने भी रूम्स हैं इसने जितने एनालाइज किए हैं, स्कैन किए हैं, वो आपको पता चल जाएगा। फिर आप उन रूम्स को रीनेम भी कर सकते हैं, और किसी पार्टिकुलर रूम को क्लीन करना है तो आप उसी ऐप से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं इसको कि उस रूम को क्लीन करना है। और क्योंकि ये स्कैन कर लेता है, इसमें ऐसे सेंसर्स हैं, तो ये अपने जो क्लीनिंग के रूट्स हैं वो प्लान कर लेता है, और कहीं भी अंधेरे में निशाना लगा रहा हूँ टाइप का सफाई नहीं करता, एक ऑर्डर में एक प्लान के हिसाब से सफाई करता है। और इस प्लानिंग के कारण इसका जो सफाई है वो फास्ट भी हो जाता है, और साथ में अच्छी तरह भी होता है। उसके बाद आपको इसमें वर्चुअल वॉल्स और रिस्ट्रिक्टेड एरिया मिलते हैं, मतलब आप लगा सकते हैं कहीं पे वर्चुअल वॉल्स मी होम ऐप में, जिससे ये उस जगह जाके सफाई ना करे। साथ में रिस्ट्रिक्टेड एरिया कर देते हैं जहाँ पे डोर्स हैं, जहाँ से वो जाता है एरिया, उसको अगर आप ब्लॉक कर देंगे तो वो वहाँ सफाई नहीं करेगा। तो जहाँ आप इसको सफाई करवाना नहीं चाहते, जहाँ इसको घुसने देना नहीं चाहते, वहाँ वर्चुअल वॉल्स या रिस्ट्रिक्टेड एरिया का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप स्केड्यूल भी कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए, कि आप सुबह उठें और पहले से वो साफ सफाई कर चुका हो, पूछा लगा चुका हो आपके कमरे में, आपके कमरे में पूरा झाड़ू कर चुका हो, पूरा मतलब एकदम क्लीन कर दिया हो आपके उठने से पहले ही, तो पूरा मतलब आप इसको स्केड्यूल कर सकते हैं कि आप घर में ना हो तब भी ये एक पर्टिकुलर टाइम पे साफ सफाई करें। उसके बाद आपको इसमें 550 ml का डस्ट बॉक्स मिलता है, और साथ में आपको इसमें वाटर टैंक भी मिलता है जिसमें आप वाटर डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें 2 क्लीनिंग मोड्स मिल जाते हैं, स्वीपिंग ओनली और स्वीपिंग एंड मॉपिंग। उसके बाद आपको इसमें 3200 mAh की बैटरी भी मिल जाती है, और 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। जब ये ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ था तब ये अमेजोन पे 60,000 में मिल रहा था, क्योंकि इसे इम्पोर्ट करना पड़ता था तो इम्पोर्ट ड्यूटीज लगते थे। तो ये आपको मी स्टोर पे मिल जाएगा, और इसका अभी क्राउड फंडिंग चल रहा है, तो इसमें आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं। तो इसका जो ओरिजिनल प्राइस रखा गया है वो है 29,999, और जो नॉर्मल प्राइस रखा गया है वो है 24,999, और अभी जो करेंट प्राइस रखा गया है वो है 17,999, क्योंकि अभी ₹7,000 का आपको ऑफ मिल जाएगा। और साथ में अभी अगर आप खरीदते हैं तो आपको प्रीपेड मोड्स भी मिल रहे हैं, और इसमें आपको नो कॉस्ट EMI भी मिल रहे हैं, और इसका जो शिपिंग है वो सितंबर 15 के बाद से ही स्टार्ट होगा,
तो फिलहाल खाली आप ऑर्डर कर सकते हैं इसको अगर आप करना चाहें तो, क्योंकि इसमें अभी आपको ₹7,000 का ऑफ भी मिल जाएगा और अगर आप ईएमआई से खरीदना चाहते हैं तो आपको नो कॉस्ट ईएमआई भी मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि क्या ये इंडिया में बेस्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है। तो वैसे तो इस प्राइस के आसपास आपको 2-3 और रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स मिल जाते हैं, लेकिन हम इसका कंपेयर करेंगे आई रोबोट के रूम्बा 606 से, क्योंकि आई रोबोट एक बहुत मतलब ट्रस्टेड ब्रांड है रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स के मामले में। आई रोबोट रूम्बा 606 का जो प्राइस है वो है ₹21,900 उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इसका जो सक्शन पावर है वो मुझे उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं पता चला, जैसे सौमी का है 2100 पास्कल, लेकिन उसका मुझे पता नहीं चला, तो सक्शन पावर को तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन बाकी चीज़ों में सौमी का रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर बेस्ट है, क्योंकि आई रोबोट रूम्बा 606 में आपको कोई वैसे इंटेलिजेंट सेंसर्स नहीं मिलते। वो ऐसा है कि आप उसको छोड़ दीजिए, वो कमरे में घूमेगा, टकराएगा नहीं, गिरेगा नहीं, लेकिन वो कमरे में अपने हिसाब से घूमेगा ऐसे ही रैंडम तरीके से, और कोई प्लानिंग नहीं करेगा, वो स्कैन नहीं कर सकता, साथ में वो स्मार्ट भी नहीं है। तो आपको उसका बटन दबाना पड़ेगा, मैनुअल करना पड़ेगा आपको ऑन करने के लिए उसको, क्योंकि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक स्मार्ट डिवाइस नहीं है, उसका कोई ऐप नहीं मिलता है आपको, और साथ में उसमें आपको मॉपिंग का फीचर भी नहीं मिलता है, तो आप खाली ड्राई वैक्यूम क्लीनिंग कर सकते हैं उसमें। और सबसे बड़ा वही है कि इसमें रैंडम तरीके से घूमेगा, तो आप छोड़ दीजिए वो अंधेरे में निशाना लगाएगा और घूमेगा ऐसे ही, सफाई कर देगा करने को, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है ये तरीका रैंडम घूमने का, और आपको खुद देखना पड़ेगा कि उसने सफाई किया या नहीं किया। और सौमी का जो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है वो सफाई जो है पूरे प्लान के साथ करता है, तो उसमें जो है सफाई और अच्छी तरह होती है और फास्ट होती है। और क्योंकि आई रोबोट रूम्बा 606 का कोई ऐप नहीं है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो आपको वर्चुअल वॉल से रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी नहीं मिलता उसके ऐप में, क्योंकि ऐप है ही नहीं, तो उसको आपको मतलब ऐसे ही घूमने देना पड़ेगा, जहाँ भी आप ले जाना चाहते हैं आपको खुद उठा के भी ले जाना पड़ेगा, और कहीं से आप ब्लॉक भी नहीं कर सकते कि यहाँ नहीं जाना है उसको। तो क्लियरली जो है मी रोबोट वैक्यूम क्लीनर एक बहुत एग्रेसिव प्राइस के साथ आया है इंडिया में, और बेस्ट है अभी फिलहाल इस प्राइस पे, इससे बेहतर आपको रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये 60,000 में मिल रहा था पहले इम्पोर्ट ड्यूटीज के साथ, अभी सिर्फ 17,999 में मिल रहा है। तो आपको लगे कि ये बहुत महंगा है अगर आपने नहीं सुना था इसके बारे में तो, लेकिन इसके फीचर्स के मामले में इसका प्राइस बहुत सस्ता है और बहुत अच्छे प्राइस पे ये आया है। तो सौमी का जो मी रोबोट वैक्यूम मॉप भी है बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, आपको जरूरत है, तो आपको और कुछ नहीं देखना चाहिए, खरीद लेना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसके फीचर्स और इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं आप उनको देखें तो। तो अब बात करते हैं सौमी के मी रोबोट वैक्यूम मॉप पी के प्रोजेक्ट टाइमलाइन के बारे में। तो प्रोजेक्ट टाइमलाइन मतलब इसका कैसे डेवलपमेंट चलने वाला है, किस टाइम के हिसाब से। तो सबसे पहले अप्रैल 17 से मई 17 तक, मतलब इन 4 हफ्तों में, 1 महीने में इसका क्राउड फंडिंग होगा। तो इस टाइम तक आपको ये जो ये डिस्काउंट्स मिल रहे हैं वो मिलेंगे, तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसी टाइम में खरीद लीजिए, क्योंकि आपको 7,000 और ऑफ मिल रहे हैं। तो अगर मई 17 से जून 21, इन 5 हफ्तों में ये इंडिया के लिए इसको कस्टमाइज़ करेंगे, क्योंकि चाइना में तो 16 में ही लॉन्च हो चुका था, और इसको इंडिया के लिए अभी कस्टमाइज करेंगे इन 5 हफ्तों में। उसके बाद BIS सर्टिफिकेशन के लिए इनको 7 हफ्ते लगेंगे, तो जून 21 से अगस्त 9 तक, और उसके बाद इसका मास प्रोडक्शन करने के लिए इनको 2 हफ्ते लगेंगे, तो अगस्त 9 से लेके अगस्त 23, उसके बाद अगस्त 23 से लेके सितंबर 15 तक ये फैक्ट्री से शिपमेंट करेंगे, और उसके बाद जो है सितंबर 15 के बाद ये कस्टमर्स को शिप करेंगे। तो ये था इस प्रोजेक्ट का टाइमलाइन सौमी के मी रोबोट वैक्यूम मॉप पी का। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वैभव।